सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 12,000। सो अगर आप भी 12,000 के नीचे एक बेस्ट स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में 3 स्मार्टफोन्स को कवर किया है। तो क्या नाचोगे? उनमें से आप अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन चूज करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। सो चलिए गाइज, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। हमारी लिस्ट का फर्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है टेक्नो की तरफ से, और इस फोन को आप इसके नाम से बिल्कुल भी जज मत करना क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत ही धाकड़ फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए सबसे पहले बात की जाए स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिससे आप मूवीज वगैरह देखना ज्यादा पसंद करते हो तो आपको पूरी टीवी वाली फीलिंग आएगी। एंड इस डिस्प्ले पे आपको ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी डिस्प्ले किसी भी तरह के डैमेज से बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी। प्रोसेसर वगैरह की मैं बात करूँ तो MediaTek का Helio G85 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, और ये प्रोसेसर आपको Android 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है। गाइस, बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 7000 mAh की मैसिव बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, और इस प्राइस पॉइंट पे ये इकलौता स्मार्टफोन है जो आपको इतनी बड़ी बैटरी प्रोवाइड कराता है, और साथ ही में आपको बॉक्स के अंदर 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको रियर में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा और 2 2 2 MP के कुछ एडिशनल कैमरा मिल जाते हैं। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, जो मैक्सिमम फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। रैम एंड स्टोरेज की बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला, एंड इस स्टोरेज ऑप्शन के साथ आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है जिससे आप अपनी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। सो फाइनली बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है टेक्नो पोवा 2, और प्राइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइस, हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से। अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंचेस की सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और डिस्प्ले सुपर अमोलेड होने के कारण आपकी आंखों के लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं रहेगी। चिपसेट वगैरह की बात की जाए तो सैमसंग का एक्सिनोस 9611 चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, जो लॉन्चिंग के वक्त तो एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, बट इसे आप अपग्रेड करके एंड्रॉइड 11 में कन्वर्ट कर सकते हो। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, एंड इसके साथ ही आपको मिल जाता है 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिससे ये बैटरी आपको 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप टाइम दे देगी। कैमरा सेटअप वगैरह की बात की जाए तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP का एडिशनल कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 20 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, और अगर वीडियोग्राफी फीचर की बात की जाए तो 1080 पिक्सल में आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। स्टोरेज ऑप्शन की बात की जाए तो 4GB एंड 64GB रोम वाला स्टार्टिंग वेरियंट आपको इसमें मिल जाता है, एंड आपकी मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। सो फाइनली बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग M21, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके प्राइस चेकआउट कर सकते हो। गाइज, हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, एंड जिसका नाम है पोको M2 रीलोडेड। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ मिलता है, जिसपे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। चिपसेट वगैरह की बात करूँ तो MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा, जो आपको Android 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है, और इस चिपसेट के साथ आप मन को बहला देने वाली गेमिंग भी कर सकते हैं। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, एंड इस बैटरी के साथ आपको 18W का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, और ये बैटरी आपको आराम से 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। कैमरा सेटअप वगैरह की बात की जाए तो 13+8+5+2 MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा, और अगर वीडियोग्राफी फीचर की बात की जाए तो मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियोग्राफी आप इससे कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शन की बात की जाए तो 4GB एंड 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको इसके स्टार्टिंग में मिल जाएगा, एंड आपके मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। सो फाइनली बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके प्राइस चेकआउट करके बाई कर सकते हैं।